अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई एम मोहम्मद सौलत एंड इट इज़ योर लिंक वेज इंग्लिश ग्रामर बुक वन। टुडे वी हैव टू डिस्कस यूनिट नंबर 6 विच इज़ इंक्लूडेड इन मंथ ऑफ दिसंबर। आज हम लोग बेटा इस्तेमाल पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में, जो कि ए और एन से रिलेटेड है। ये आपके आर्टिकल का हिस्सा है। ए एंड एन, हमारे पास कुछ वॉवल्स हैं जो कि आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू। कुछ हमारे पास वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू। तो हमारे पास जो भी वॉवल्स होंगे, ऐसे अल्फाज जो ए से शुरू हों या ई से शुरू हों या आई से शुरू हों या ओ से शुरू हों या यू से शुरू हों, तो ऐसे अल्फाजों से पहले, ऐसे वर्ड से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई वर्ड अदर देन वॉवल्स हो तो फिर हम वहाँ पर आ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ए और एन का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। ऐसे वर्ड्स जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे उनसे पहले आप एन लगाएंगे, और ऐसे वर्ड जो ए ई आई ओ यू के अलावा किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हों तो हम उसके लिए आ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। दोनों जो आपके पास वर्ड हैं ये, तो ये दोनों अल्फाज जो हैं ये किसी भी सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, जैसे कि लिखा हुआ है लीफ, देखें ये लीफ एल से स्टार्ट हो रहा है तो आ लगा हुआ है, बाउल बी से स्टार्ट हो रहा है तो आ लगाया हुआ है। उसके बाद आगे देखें डॉग तो आ लगा हुआ है, एच हाउस तो आ लगा हुआ है, मग एम तो क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो वॉवल से शुरू नहीं हो रहे, तो इसलिए इन सबसे पहले हमने आ लगाया हुआ है। और फिर इसके अदर, इसके सामने हम बिल्कुल देख रहे हैं एक और पिक्चर है हमारे पास, एप्पल। यानी कि देखें ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन लगाया हुआ है, ई से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ए आई ओ यू। ये तमाम अल्फाज जो हैं, ये तमाम पिक्चर्स जो हैं, ये सब हमारी वॉवल्स पर डिपेंड कर रही हैं। तो हमने इसलिए वॉवल आ रहे हैं तो इसलिए हम इन सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे अंडरलाइन ए और एन, आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। लिखा है साइमा हैज़, अभी देखें फॉर्क जो है ये आपका वॉवल नहीं है, तो इट मीन्स आपने यहाँ पर जो है स्टार्ट करना है, आपने अंडरलाइन करनी है, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसी तरह सेकंड, यू आर ए एम बेबी, अब आपने दोनों में इंतखाब करना है, देखें ये वॉवल नहीं है बेटा, तो आपने आगे नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से एलिफेंट वॉवल है, आपने एन लगाना है, ऑरेंज वॉवल है, आपने एन का इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरह से ट्राय वॉवल नहीं है, टी आ रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपने यहाँ पर आर इस्तेमाल करना है। लिखा हुआ है सर्कल द करेक्ट वर्ड, आपने अब करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। इट हैज़ अ टेल या इट हैज़ एन टेल, अब ये देखिए जो टेल है ये टी से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है, तो आपने ए पे सर्कल करना है। एप ए से स्टार्ट हो रहा है, आपने एन पे सर्कल करना है, वॉवल है। फिर इसी तरीके से इसके दूसरे इस्तेमाल, एक्सरसाइज ये भी आपका एन पे सर्कल करेंगे, डॉल आप पे सर्कल करेंगे, अंकल अंकल से पहले, अब ये अंकल है तो ये मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो आप एन पे सर्कल करेंगे, एरो ए वॉवल से शुरू हो रहा है तो आप एन पे सर्कल करेंगे। देन एक्सरसाइज 6C, लिखा हुआ है क्लिक द करेक्ट वर्ड, अब आपने यहाँ पे जो भी अल्फाज सही होगा उस पर अंडरलाइन नहीं करनी बल्कि टिक करना है उसके सामने। अब लिखा है मदर पुट्स, मदर ने रखा है स्पून इन द बाउल, यानी कि मदर ने प्याले में स्पून रखा है, चमचा रखा है, तो आप मदर फूड्स, अब ये बताएं मैंने कहा है कि आपको ए और एन दोनों सिंगुलर चीज़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखें स्पून एक चमचा है ना, लेकिन आप डिफरेंशिएट करना है कि
हम इसमें आ लगाएं या एन लगाएं। आप देखें स्पून जो है वो हमारा वॉवल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसके सामने टिक कर देंगे इस तरह से। आपने तमाम बॉक्सेस में इस तरह से करना है। आई कैन सी ईगल इन द स्काई, मैं चील देख सकता हूँ। ठीक है, अब ये ईगल जो है ये सिंगुलर है। अब दोनों चीज़ें सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये वॉवल से शुरू हो रहा है। ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं, ये वॉवल से शुरू हो रहा है, तो बेटा इसलिए हम एन के आगे मार्क करेंगे। इसी तरह देखें, मैंगो एम वॉवल नहीं है, हम आगे टिक करेंगे। एनवेलप लिफाफा ई से स्टार्ट हो रहा है, हम एन के आगे टिक करेंगे। फिर इसी तरीके से आंट ए वॉवल है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर उसको एन पर टिक कर देंगे। देन फिल इन ईच ब्लैंक विद ए और एन। ठीक है, अब आपने लिखना है। देखें, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, आपने यहाँ पे ख़ुद इंतखाब करना है, या तो ब्लैंक में ए आएगा या फिर यहाँ पे ब्लैंक में एन आएगा। अब हम देखेंगे ए दिस इज, अभी देखें ये वॉवल है, तो हम यहाँ पे वॉवल जब होगा तो एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई हैव अ रेडियो, देखें ये वॉवल नहीं है, आर वॉवल नहीं है, तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। देन दिस इज दिस कैट हैज़ टेल, अब हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। दिस कैट हैज़ अ टेल। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, एक बटरफ्लाई उड़ सकती है, आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि बी हमारा वॉवल नहीं है। काउ सी से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है, इट मीन्स आएगा यहाँ पे भी ए आएगा। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, खेतों में एक गाय है। देन सिक्स ई फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, अब यहाँ पे आपने ए और एन से ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। एक पिक्चर में देखें आप, फर्स्ट पिक्चर में अलार्म बज रहा है, ठीक है, अलार्म क्लॉक है कि अलार्म ए से स्टार्ट होता है। फिर ये ब्रश बी से स्टार्ट हो रहा है, शर्ट एस से स्टार्ट होती है, बैग बी से स्टार्ट हो रहा है, बस बी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे अब हम, आई हैव एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि ए है तो हमने एन यूज़ किया। इट रिंग्स इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एंड ब्रश माई टीथ माई टीथ विद अ टूथ ब्रश। अब यहाँ पे आ इसलिए लगा रहे हैं, ए का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं आप, क्योंकि ये टी जो है हमारा वॉवल नहीं है, ये हमारा वॉवल था तो हमने एन लगा लिया, ये वॉवल नहीं है तो हम ए का यूज़ करेंगे। देन आई वेयर अ शर्ट, पे मैं एक शर्ट पहनता हूँ, एंड कैरी अ स्कूल बैग, और स्कूल बैग लेके जाता हूँ, एक स्कूल बैग लेके जाता हूँ, आएगा यहाँ पर, क्योंकि एस जो है वो वॉवल नहीं है। आई टेक अ बस टू स्कूल, मैं बस जाने के लिए एक बस का सहारा लेता हूँ या बस के जरिए स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर भी आएगा क्योंकि भी हमारा वॉवल नहीं है। ओके, ये हमारा ए और एन का यूज़ था। सो सिंपल है, बहुत आसान है। जो वॉवल्स होंगे ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहे होंगे, तो उनकी उनसे पहले जो ब्लैंक होगी वहाँ पे हम एन इस्तेमाल करेंगे, और अदर देन जो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर से स्टार्ट होगा कोई वर्ड, तो उससे पहले हम आ का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है ये यूनिट नंबर 6 आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।